चलिए बढ़ते हैं आगे। एसपी नेता आशु मलिक के समर्थकों ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशु मलिक के समर्थकों ने सोमवार शाम सहारनपुर के घंटाघर चौक पर कैबिनेट मंत्री आजम खान का पुतला फूंका। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए समर्थकों ने कहा कि आशु मलिक गरीबों के मुस्लिमों के हितैषी हैं, उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहारनपुर के बाद आशु मलिक के समर्थकों ने आजम खान का गाजियाबाद के मुरादनगर में भी पुतला फूंका और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आशु मलिक ने कहा कि हम अपना अपमान सह सकते हैं लेकिन अपने नेता मुलायम सिंह यादव का नहीं। उन्होंने कहा कि हज हाउस के कार्यक्रम में आजम ने मुलायम के पोस्टर इसलिए हटवाए ताकि वो मुस्लिमों के अकेले रहनुमा बन सके। आजम को ये गलतफहमी जल्द दूर कर लेनी चाहिए। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। एसपी नेता आशु मलिक ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हालांकि आशु मलिक के अचानक आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे की सच्चाई ही कुछ और बताई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों आशु मलिक के भाई को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया था। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर सरकार बदलती है तो जिला पंचायत अध्यक्षों को भी बदल दिया जाता है। आशु मलिक को लगता है कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होगी और ऐसे में आशु अपने भाई की कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनके लिए बीएसपी में जाने की राह आसान हो जाए और वो अंदर खाने बीएसपी के नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि आशु मलिक ने बाद में इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका आजम खान से कोई निजी विरोध नहीं है। अब ये तो जाने, अब कार्यकर्ताओं में अगर रोष है, मैं थोड़ा ही कहीं कुछ कर रहा हूँ। अब कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष है कि भी मुख्यमंत्री अध्यक्ष का अपमान कर दिया, जिला पंचायत का, पूरी गाजियाबाद के लोगों का अपमान कर दिया। हमें चलिए जगह नहीं दी, हमसे मत भेद थे, माननीय नेताजी का कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का। दो दिन पहले नगर निगम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय नेताजी के बोर्ड ना हटाए हो तो आप पता कर लीजिए किसने हटवाए, इस बात की जांच कराएं, किसने माननीय नेताजी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के बोर्ड हटाए। मेरी गलती बताएं कि मेरी ये गलती है, मैंने हमेशा जब आपको बाप की तरह माना तो आप भी कहीं ना कहीं नहीं करते। मैंने कभी उनके खिलाफ 4.5 साल मुझसे नहीं बोले, मैं आज कहता हूँ, मैंने कई बार ये भी कहा कि भाई चलिए मुझसे कोई गलती हुई मुझे माफ कीजिए, आप ना, क्योंकि मैं भी दिल से, मेरा उनसे बिल्कुल दिल से जुड़ाव था, लेकिन अपने व्यवहार की सजा मुझे और मेरे समर्थकों को और मेरे नेता को क्यों दे रहे हैं अपने व्यवहार से।